चाइना ने अपना प्रोपेगेंडा वार चालू कर ही रखा है। चाइना ने अपने प्रोपेगेंडा वार में 12 ब्रह्मोस मिसाइल को मार गिनाया। अब आप बोलोगे कि ये कैसे होगा, चाइना ने 12 ब्रह्मोस मिसाइल कब मार गिराई? रिसेंटली जब आपने एक ध्यान दिया हुआ, हमारी एक ब्रह्मोस पाकिस्तान में जाके गिरी थी। वहां पाकिस्तान के पास तो चाइना के ही डिफेंस सिस्टम है, उनको तो पता भी नहीं चला। बकायदा लोगों ने बताया कि एक ऐसी मिसाइल उड़ रही है, वो आके गिरी है। तब जाके पाकिस्तानी आर्मी की नींद खुली। तो चाइना ने 12 ब्रह्मोस कैसे मार गिराए, इतनी जल्दी चाइना ने कैसे ये सिस्टम डेवलप कर लिया? दरअसल चाइना ने ये सिस्टम बनाया एक सिमुलेटर के थ्रू। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना ने एक गेम बनाई कि अगर फिलीपीन चाइना के ऊपर ब्रह्मोस फायर करता तो चाइना उसे कैसे टैकल करेगा। तो अगर आप उनका सिमुलेटर देखोगे तो उसमें साफ दिखाई देगा कि जैसे ही फिलीपीन चाइना के ऊपर ब्रह्मोस फायर करेगा तो जो चाइना की नेवल शिप्स है वहीं पे डिटेक्ट करके उन्हें मार गिराएंगे। यहीं पर उनकी सबसे बड़ी नालायकी उजागर हो गई, क्योंकि जो ब्रह्मोस की ट्राजेक्ट्री है उनके सिमुलेटर में उन्होंने गलत दिखा दी। ब्रह्मोस की जो उन्होंने सिमुलेटर में ट्राजेक्ट्री दिखाई कि ब्रह्मोस मिसाइल फायर होकर स्ट्रेट जाएगी, अगर वो स्ट्रेट जाएगी तो जो चाइना के डिफेंस सिस्टम वहाँ पर लगी हुई है ब्रह्मोस को पकड़ देंगे। हालांकि वो भी नहीं पकड़ सकेंगे, पाकिस्तान में आपने एग्जाम्पल देख ली। इसी की बेवकूफी भी देखिए कि जो ब्रह्मोस की एक्चुअल ट्राजेक्ट्री है वो पहले हाइट के ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से एकदम टारगेट के ऊपर सर से आके गिरेगी, ना कि वो स्ट्रेट जाकर अटैक करेगी। तो ऐसे प्रोपेगेंडा चाइना करता रहता है। तो जो लोग इंडिया में रहकर चाइना की हिमायत कर रहे हैं, चाइना के वेपन्स को स्ट्रीम कर रहे हैं, आप कतई भूल जाइए कि चाइना अब इंडिया को किसी भी तरीके से युद्ध में मात दे सकता है। पाकिस्तानी कुछ मेरे कमेंट सेक्शन में आकर थोड़ी फीलिंग ले रहे हैं, तो अपना देश संभालो। आटा चावल अगर चाहिए तो मुझे मेल कर देना, मैं कोरियर कर दूंगा। और हमारे राहुल गांधी जी भी यूएसए में गए हैं, वहां पे वो कुछ अलग अलग बयान दे रहे हैं और वहां से कुछ ऐसी पिक्चर्स वायरल हो रही हैं जिनमें वो एंटी इंडिया लोगों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वहां पे जाके सिख धर्म को टारगेट करना ये एक अलहदा टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा कि कैसे कैसे इन्होंने देश को तोड़ने की बात करी, कैसे राहुल गांधी ने यूएसए में जाकर देश को ही नकारा और यूएसए के मीडिया ने यहां तक पूछ लिया कि आर यू फ्रॉम इंडिया और पाकिस्तान। आप इस नाराकी का अंदाज़ा यहीं से लगा लीजिए कि किस तरीके से वो अपने ही देश का मिनिस्टर होकर, अपने देश का तो क्या है, वो बॉर्न इन इटली है, कि वो इंडिया के खिलाफ ऐसे प्रोपेगेंडा चला रहा है। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बात करेंगे, कोशिश करूंगा कि अब मैं एक लाइव सेशन करूं। खैर, आप जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस के रिलेटेड किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना, और कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ लेट मी नो, कोशिश करूँगी मैं आपका उनके हिसाब से जवाब दे सकूँ। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। जय हिंद।